नौजवान जड़े वेले काफिले दे जावन दा वेला आया उस बच्चे ने बेड़ियां तोड़ियां हाथ कड़ियां तोड़ियां बेड़ियां तोड़ के काफिले दे नाल मिले आओ अपना पाप छड़िया मां छड़ी अपना चौधर छोड़ के जाए दादा छोड़ के ते बच्चा काफिले दे नाल ईरान तो निकला मुल्के शाम वल जा रहे आओ ते आसमान वल वेख के कहन लगा नीली छत वाले आओ मैं तेनू मिला ना रे सुभान अल्लाह कोई किधरे भी रहंदा होवे मेरे नबी नु खबर हो जांदी है मुल्के मुल्के ईरान है ईरान है ईरान है ईरान है ईरान है ईरान दा एक सूबा जिदा नाम अस्फहान है अस्फहान सूबे दे अंदर एक छोटी जी बस्ती है जिदा नाम है खबई ਹਬਈ ਬਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਸ਼ ਪਰਸਤ ਨੇ ਅਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੂਜ਼ਖਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਹਬਈ ਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ दौलत अल्लाह ने बड़ी दी मगर औलाद वर्गी दौलत नहीं उन्हें अपने महल के अंदर एक कमरा बनाया तो उस कमरे के अंदर एक आतशकदा बनाया जिथे हर वेले अग जलती है बाप दादे परदादे तो किसी ने उस अग नु कदे पुजन नहीं दिता हर वेले अग की पूजा कर दे उन्हें रोजाना अग दे सामने बैठ के पूजा करके ते अर्ज करनी ऐ मेरे माबूद दौलत ते बड़ी मिली पर मैनू पुत्र दे देना कदे मेरी दौलत दा वारिस आ जाए मेरा भी दुनिया ते नाम जिंदा रहे पुत्र मांगदा आरबे करी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सिख पुत्रां दी सिख पुत्रां दी आखन लागे सियाने ए मेवा नबियां भी मंगेया कर कर उजरे बहाने नबियां भी मंगेया कर कर उजर बहाने इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी अर्ज की थी रब हबली मिन सालिहिन पुत्र दे ज़करिया अलैहि सलाम ने भी अर्ज की थी रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा पुत्र दे मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उजर बहाने अग की पूजा करता दूज़ख़शान ते रोज कहता मेरे महबूद मैं पुत्र अता कर अग ने की देना सी अल्लाह ने उन्हें पुत्र अता फरमा दिता उन्हें अपने बेटे का नाम रखिया माबा ग्रामी कदर हदरात वडेरी उम्र औलाद मिली होवे चाय अजीब चढ़ गई इकलौती औलाद ते सीरत निगार लिखते ने कि अपने पुत्र नु इंज पालदा जिवें लोग अपनियां बेटियां नु पालदे परदे च रख के बड़े नाजो नाम दे नाल अपनी बेटे नु पाल रहे चौधरियां दी औलाद सी दौलत दे घर विच फरवानी सी बड़े इहतमाम दे नाल अपने पुत्र नु नौकर चाकर रख के दित्ते जिहड़े बड़ा ख्याल रख रहे थे बड़े नाज ते नाम दे नाल बच्चे नु पालिया जा रहे बच्चा जड़े वेले जी मैं सुना देवांगा राणा सुल्तान साहब जी बड़े मोहब्बत वाले मेरे पुराने वीर ने आज बड़ी देर बाद इन्होंने मुझे ज़ियारत कराई कहंदे ने ओ शेर सुनायो मैं इंशाल्लाह सुना के जावांगा माँ बाप पल रहा थे एक दिन बाप ने उंगली ना लगाया तो उस कमरे च लै गया जिथे अग पे जल्दी अग दे सामने बिठा के कहन लगा बेटा हुण तू गल्लां करन लग पिया याद रखी कि आ जिहड़ी अग है ना ये माबूद है तेरा भी तेरे बाप का भी तेरे दादे का भी असी अग की पूजा करने वाले हैं इन्हों असी अपना माबूद मनने तू भी अग नू पूज ते इहदे कोल जो मंगना अग कोल मंगना है बच्चा पहले दिन जदों अग दे सामने बैठ के पूजा कर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह संजरी जब आप अजमेर शरीफ डेरे लगाए ना तो आप नु किसे दस्या कि तुहाडे करीब ही डेरा लगाया छे आतश परस्त ने जिहड़े अग दी पूजा करदे ने इतना ज़ुहद ते तकवा कमांदे ने इतनी इबादत करदे ने कि छे महीने रोज़ा रखदे ने
छे महीने के बाद थोड़ा जा खाना खा के रोजा इफ्तार कर देने, फिर छे महीने का रोजा रख लेंगे। उन्हें आतश परस्तान किसे जाके दसिया के तुहाडे करीब एक अल्लाह का वली आया, वो ज़ियारत करन आया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह उन्होंने फरमावन लगे, तुसी तकवा ते इतना मुजाहदा इतना करदे हो ते पूजा अगदी करदे हो। उन्हें आतश परस्ता ने आख्या कि बाबा जी तुहाडे नबी ते जिहड़ा अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता ना, उस कुरान च इक आयत है, आयत पढ़ के असी अग दी पूजा करनी शुरू की। आपने फरमा वो किहड़ी आयत है? पढ़ा भाई, सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। तो हाड़े पेड़ दिया फिदामा गूंज दिया रहने जो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमा फत्तकुल नार अल्लती वकूदुहा नास वल हिजारत उद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमांदा डरो अग कोलो जिदा बालन इंसान से पत्थर होवन गे। वो कहन लगे कि बाबा जी अल्लाह ने फरमाया कुरान विच कि अग कोलो डरो ते इहदा बालन इंसान से पत्थर बनन गे। असी अग दी पूजा इस वास्ते करने आ कि कयामत नु जदों अल्लाह सानू अग विच सटे ते इह अग सानू साड़े ना, इहनू साड़े ना प्यार हो जावे। हस के बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती अज मेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बस इन्नी वजह तो इहदी पूजा करी जांदे हो। कहन लगे जी बाबा जी ने अपनी जुत्ती उतार के ते अग विच सटी, बड़ी देर जुत्ती अग विच रही। आपने इंज करके ना बड़ी देर दे बाद हाथ डाल के ते जुत्ती बाहर कढ़ी ते उन्होंने जुत्ती वखा के फरमांदे ने चलियो एवें अग दी पूजा करी जांदे हो। अग दे यारी मालक ना ला लईए ते अग ते जुत्ती दा तस्मा नहीं साड़ सकदी। ये यारी अग दे मालिक ना लग जाए, अग ते जुत्ती दा तस्मा नहीं साड़ सकदी। गिरामी कदर हजरात बच्चा भी जदों मापा अग दे सामने बैठा ना ते पूजा कर लगा, पर बच्चे नु ख्याल आया कि नहीं ए माबूद नहीं हो सकदी। जड़ी पानी डाले बुझ जाए आप मबूद तो नहीं ना हो सकती, जड़ी अपने आप नू ना बचा सके। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम जदों बच्चे सन ना ते आप दा चाचा आज़र बुत बनांदा सी। ओदे बच्चे रोजाना बुत वेचण जांदे ते आज़र दे बनाए बुत बड़े मशहूर सन। ओदे बुत जिहड़े कंधियां ते लद के ते बच्चे बुत वेचण जांदे, बड़े चंगा बुत है, मेरा बुत बारिश भी बरसा देंदा है। दूसरा आवाज दे के कहंदा आ मेरा बुत जिहड़ा ना ये पुत्र देंदा है। तीसरा बोल के कहंदा आ जिहड़ा मेरा बुत है ना ये दुआवां कबूल कर। एक दिन आज़र ने चाचे ने बुत बना के हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने देता, जा बुत बेच के आ। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बुत बेचन टुर पे, रब दा नबी बुत दे गले च रस्सी डाल के ना उन्हें घसीड़ दे गलियां च ले जा रहे। ते आवाज पता की देंदे ने, फरमांदे ने बुत ले लो बारिश भी नहीं पांदा, बुत ले लो बारिश भी नहीं पांदा, पुत्र भी नहीं देंदा, सुनदा भी नहीं, बोलदा भी नहीं। बुत ले लो ते रस्सी पाक दे गले च गलियां च घसीड़ते ते जलील कर दे बुतां नूं जा रहे। एक माई ने खिड़की खोली ते खिड़की खोल के कहंदी इब्राहिम अब बुत मैनूं वेच दे। आपने फरमाया तेरा पहला बुत किथे गया? कहण लगी चोर लै गया। अपनी राखी नहीं कर सकिया, वो तेरी राखी की करेगा। गल माई दे दिल नूं लगी ते माई बोल के कहंदी इब्राहिम कोई वह भी रब होंदा जिहड़ा साडी राखी करे? आपने फरमाया वह भी होंदा। माई कहंदी किन्ने दा मिलदा है? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਜ ਮਿਲਦਾ? ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਲਮਾ ਪੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਫੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਹੁ ਅਰਹਮੁਰ ਰਾਹਿਮੀਨ ਇਨ ਕੁੱਲ ਨਫਸ ਲਮਾ ਅਲੀਹਾ ਹਾਫਿਜ਼। गिरामी कदर हजरात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने भी फरमाया कि अग दे मालिक ना यारी लग जाए ते अग ते जुत्ती दा तस्मा भी नहीं साड़दी। ओ बच्चा जदो बुत अग दे सामने बैठा ना ते ओदे अंदर एक होर ही अग लगी। ओ अग केड़ी है? चलना लैके तुहानू हजरत बाबा बुल्ले शाह दे दरबार ते। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे लै जावांगे।
मैं तो अर्ज किया मैं हाफजाबाद से जाना मैंने इन सुबहान अल्लाह दे दो मेरा हाफजाबाद तक गुजारा हो जाए। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आप फरमांदे ने अग ते इश्क तो एक बराबर ते इश्क दा नाम बधेरा अग बले साढ़े कख ते काने ते इश्क साढ़े तन मेरा अग बले ते बुझावे पानी दसो इश्क दा दारू केड़ा खुले शाह उठे कुछ नहीं सुझदा जिथे इश्क ने लाया तेरा बार दुनिया की अग ते अंदर इश्क की अग लगी ओ जड़ी दोजख की अग नू बजा देंदी है तब फिर दुनिया की अग बच्चे दा दिल ना करे मैं अग की पूजा करा थोड़ा जा बच्चा थोड़ा जा लड़कपन तो जवानी वल टुरिया ना अठ दस साल की उम्र हुई तो एक दिन बाप ने पुत्र नू बुला के आख्या कि मैं किधरे सफर से दो तीन दिन वास्ते चलिया तो पुत्र तू चौधरियां दा पुत्र है मेरे बाद गुलाम किधरे बिगड़ ना जावा तो इंज करना अपने खेतों से जाना तो जिम्मेदारी करानी है तो गुलामों का ख्याल रखी काम ठीक कर देने कि नहीं उधर गुलामा ने दसिया कि आज तो बाद मेरी जिम्मेदारियां मेरा पुत्र बाबा अदा करेगा। नाजा दा पलिया पुत्र पहले दिन जदों अपने घर चो निकलिया टुरिया पैलियों वाल पहले दिन घरों निकलिया तो अजीब तरह दुनियादारी पर वेखदा है अचानक बच्चे दे ना गली विच आवाज कन्ना विच घंटियां दी आई क्यों घंटियां पियां बजदियां बच्चे की आदत होती है कि बच्चे जिधर घंटिया की आवाज या कोई 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 ऐसी चीज देखते बच्चे भूल जाते हैं कम कि ऐसा बच्चे उधर टुर पाते माबा घंटिया की आवाज वाल टुरिया तो जाके देखा कि घंटिया की आवाज ईसाइया के गिरजे विचों आ रही है ईसाइया के गिरजे के दरवाजे से सीढ़िया से जाके बैठ के वेख्या अंदर ईसाइया के पादरी और ईसाई बैठ के ते अपनी पूजा पाठ अपनी इबादत पर करते हैं तो घंटियां बजा के इबादत करते हैं अज भी ईसाई तुसा देखो घंटियां बजाते हैं असी अजान पढ़ के लोगों को इकट्ठे करने घंटियां बजा के इकट्ठे कर दें माँ बाप सारा दिन बैठ के ईसाइया इबादत करता वेखता रहा शाम वेले जो घर आया तो अगले दिन दोबारा जो खेतों में टुरिया तो फिर घंटिया की आवाज बच्चे का दिल उधर खिंच कल तो बच्चा सीढ़िया से बैठा मगर अज अंदर जाके ना तो उन्हें ईसाइया के पादरी के करीब बैठ के ईसाइया के तरीके अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी मापा नु सुकून मिले तीसरे दिन फिर सारा दिन गिरजे च गुजार के इबादत करके चला गया तीन दिन के बाद जो बाप घर आया तो बूजर शाह ने अपने गुलामा ने पूछा हाँ भाई मेरा पुत्र खेतों वाल आया तो कैसा काम होया गुलामा क्या ते आया ही नहीं मां ने पूछा तो मां ने आख्या मैं तीन दिन भेज दी रही बाप को ख्याल आया मैं तो बड़े नाजा नाल पालिया सी ते तीन दिन पहली बार घरों निकलिया तो पहले दिन ही आवारा हो गए गया किथे उन्हें मुंह ते थप्पड़ बेटे दे मारे जड़े नाजा नाल पालिया सी पूछा किथे गया से बच्चे ने झूठ बोलना कदे सीखे नहीं सी मापा ने हाथ जोड़े थे अर्ज की बाबा ओ ईसाइया दा गिर जाए तो उथे ईसाई इबादत पे करते सन अपने रब दी ते मैं उन्हां नाल जाके इबादत करदा रहा बाप दे दिल नू हाथ लग्या ते उन्हों ख्याल आया कि ई अगर मेरा पुत्र हो के ते अल्लाह दी इबादत करना शुरू हो गया ते मैं ते आतश परस्ता दा सरदार हां ते मेरी ते चौधर मुक गई इकली मेरी औलाद है ते मैं सारे आतश परस्तां दा इलाके दा सरदार हां ते मेरा पुत्र हो के अग दी पूजा नहीं करदा ते ई अल्लाह दी इबादत कर दे उन्हें पुत्र नू कमरे च कैद कर दिता दो चार दिन सख्ती कीती पर पुत्र पैरां ते मजबूत रहा इश्क आ गया ना पैरां ते मजबूत हो गया बच्चे ने आख्या मैं इबादत उन्हां दे रब दी करनी है बाप ने वेख्या कि सख्ती नहीं मानदा करीब बैठ के कहन लगा पुत्र अपना रब छड़ के ते गैरां दे रब दी इबादत नहीं करी दी बाप पुत्र नू समझांदा ते पुत्र बाप नू पिया के अबू जी
मैं वेख के आया साढ़े रब नालों उन्हां दा रब चंगा है। पुत्र बाप नूं पिया समझावे आख्या बाजी साढ़े रब नालों उन्हां दा रब चंगा है। लै चलना फिर बाबा बुल्ले शाह दे दरबार उते। यार बोलो सुभान अल्लाह। ये तकरीर तीन चार घंटे वाली है। मैं तुहानू घंटे च इंशाल्लाह सुना के चले जाना है भाई। मैं तुहानू इश्क दे पैंडे पा चलिया। एवें नहीं बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा बेखदा ना खुरा बेखदा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नायरा बेखदा ना खुरा बेखदा ए जिथे चावे चुका देवे आशिक दसरे नाए काबा ते ना करबला बेखदा। और तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत इश्क सौखा नहीं सजना निभाएदा इश्क ऐं सौखा नहीं सजना निभाएदा कदे कदे दीद ले सूली चढ़ जाए कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाई जा। बाप पुत्र नूं दिने भी मारदा ते रात भी मारदा कहिंदा दस अग दी पूजा करनी कि नहीं ते बच्चा कहिंदा मनदा ही नहीं। एक दिन उस बच्चे ने पादरी नूं पैगाम भेजा कि ओ जिहड़े रब दी तू इबादत करना मैं उस रब नूं मिलना चाहना मेरी मुलाकात करा तवज्जो है हमेशा मुशरिक ने यही समझा कि रब ओ होंदा माबूद ओ होंदा जिहड़ा अख दे सामने आवे। इंसान ने कदे पत्थर दा रब बना के पूजा की कदे दरख्त नूं पूज लिया कदे चन्न नूं पूज लिया कदे सूरज नूं पूज लिया कदे अपने वर्गे इंसानां फिरौन ते नमरूद नूं पूज लिया कदे अग दी पूजा कर ली क्योंकि इंसान समझदा सी माबूद ओ होंदा जिहड़ा अख दे सामने आवे। इत्थे नबियां आके दस्या के जलिया जिहड़ा नजरी आ जावे उह ते रब हुंदा ही नहीं जिन्हों इस जहरी अख ना इंसान देख सके जिस्म भी नहीं वजूद भी नहीं ला मिसल लहू वला मिसाल लहू ना मिसल ते ना मिसाल बच्चा समझदा सी कि जिवें अग हर वेले सामने रहिंदी इन हां दा मबूद भी कोई इवें दा कहन लगा कि मैनूं अपने रब नाल मिला। उस पादरी ने पैगाम भेजा कि मैं रब नाल नहीं मिला सकदा मेरी इतनी औकात नहीं हाँ मुल्क शाम चला जा उत्थे साडा मरकज़ ईसाइयां दा उत्थे जिहड़ा पादरी है ना उह तैनूं रब नाल मिलावेगा रब दा बड़ा करीबी है। बच्चे ने पैगाम भेजा कि मैं मुल्क शाम की में जावा पादरी ने पैगाम भेजा कि फलां रात काफिला ईरान तो शाम वल जाना है तैयारी करके आ जावी मैं तेनों शाम भेज देवांगा। लो भाई इश्क दी दास्तान शुरू हो गई।
मैं लफ़्ज़े औलाद दा तर्जमा सुनाना बस। नौजवान जड़े वेले काफिले दे जावन दा वेला आया उस बच्चे ने बेड़ियां तोड़ियां कड़ियां तोड़ियां बेड़ियां तोड़े के काफिले दे नाल मिले आओ अपना बाप छड़िया मां छड़ी अपना चौधर छोड़ के जाए दादा छोड़ के ते बच्चा काफिले दे नाल ईरान तो निकला मुल्क शाम वाल जा रहे आओ ते आसमान वाल वे के कहन लगा नीली छत वाले आओ मैं तेनु मिलना आ रहे मेरी खिदमत कर मेरा रल के इबादत कर पहले मेरी खिदमत कर फिर मैं तेनो रब न मिलावांगा बच्चा रब न मिलन की खातर ना पादरी दी दिन ते रात खिदमत कर रहा खिदमत कर दे बच्चे नो पता चल गया ए पादरी ते बड़ा दुनियादार है ईसाइयों नु जिन्ने सदकात खैरात दे दे ने ए जमा करदा रहंदा है सोने दे मटके भर भर के उन्हें जमीन च दफन कीते अचानक इस पादरी दे मरण दा वेला आ गया आखिरी वेला आया ते बाबा दे सराहाने बह के रो के कहन लगा आप ते टुट चले ते मैनु रब नाल क्यों नहीं मिलाया पादरी दी रूप परवाज कर गई ते मां बाप दे सराहाने बह के रोंदा रहा कि मैं ते सारी दुनिया इत्थे छड़ के आया सां रब नूं मिलन वास्ते ते इन्हें मिलाए नहीं आप ही मर गए पादरी मरिया ते ईसाई रोवन लगे ते मां बाप कहंदे रोवो ना ते बड़ा दुनियादार सी उन्हां पुछया किवें मां बाप ने जमीन खोद के सोने ते चांदी दे मटके छे निकाले आखिया आ वेखो जिन्ने सदके खैरात देंदे रहे हो इत्थे आप जमा करदा रहे ईसाईयां ने उस पादरी दी लाश नूं सूली ते लटका दिता ताकि आवन वाला दूसरा पादरी दुनिया नौजवान कुछ अरसा गुजरिया उस पादरी की भी मौत का वेला आ गया मां बाप सराहाने बह के रो के कहन लगा तू भी टुर चलिया मैनू रब ना कौन मिला पादरी ने मरन लगे आख्या कि मैं तेनों रब ना नहीं मिला सकता हाँ अगर रब नूं मिलना है ते आओ मूसल शहर है उत्थे चला जा जिहड़ा पादरी रहिंदा उह मेरे नाल ज़्यादा अल्लाह दे करीबी है उह तेनों रब ना मिलावेगा ये पादरी मर गया ते मां बाप टुरिया टुरिया ते मूसल शहर दे अंदर चला गया उत्थों दे पादरी दी भी खिदमत करदा रहा ते उस पादरी दा भी आखिरी वेला आ गया नौजवान जदों पादरी भी मरन लगा ते बच्चा हुण उहदे सराहाने बह के रोण के कहण लगा तू भी टुट चले ते मैनूं ते रब ना किसे मिलाए नहीं ते मैं ते जग सारा छड़ के आ गया उहने आख्या कि मैं भी रब ना मिला नहीं सकदा इंज कर अमूरिया शहर चला जा उत्थों दा पादरी तेनों रब ना मिलावेगा ये पादरी मर गया ते मां बाई ने छोड़ के ते अमूरिया चला गया नौजवान जड़े वेले अमूरिया वाले पादरी दियां ए बड़ियां खिदमतां करदा रहा किताबां च लिखिया उस पादरी दा भी आखिरी वेला आया पादरी दे सराहाने बह के मां बाप रही जा रहे हो ते कहन लगा तू भी टुर चले आए मैनू रब नाल तू भी नहीं मिलाया मां छड़ के आया बाप छड़ के आया चौधरा छड़ के आया उस पादरी ने सीने न लगा लिया कहन लगा तू मेरे बेटियां वर्गा है कहन लगा याद रखी इस वेले धरती ते कोई इंसान नहीं जेड़ा किसे नू रब नाल मिला सके दुनिया जहलियत वाली आ गई कोई इंसान रब नाल नहीं मिला सकदा मापा दियां चीखां निकल गईयां कहन लगा मैं ते दुनिया छड़ आया उस पादरी ने जांदी वारी सीने नाल लाया कहन लगा रो ना पर मैं तेने को खुश खबरी देना वा ओ दुनिया ते आउण वाला है जिन्हें दुनिया नू रब नाल मिला देना आउण वाला है जिन्ने लोगों नू रब नाल मिला बेशुमार पादरी ने सीने लगा के आख्या रो ना वो आने वाला है किताबा च लिखा एक आवेगा
انجیل چ بھی لکھا ہے تورات چ بھی لکھا ہے تے زبور چ بھی لکھا ہے آوے گا ماں با جلدی جلدی انہوں پوچھا دا مرن تو پہلے پہلے میں انہوں دس جاؤ دا نو کی ہے پادری کہنے لگا جو سچی پوچھے تے میں انہوں دے نو دا پتا کوئی نہیں ماں با کہنے لگا پھر جلدی کر میں انہوں مرن تو پہلے پہلے انہوں دے شہر دا نام دا سجاؤ میں آپ ہی ڈھونڈ لوں گا کہنے لگا جو سچی پوچھے تے میں انہوں دے شہر دے نام دا بھی نہیں پتا ماں با رو کے کہنے لگا تینوں نام دا بھی نہیں پتا شہر دا بھی نہیں پتا علاقے دا بھی نہیں پتا میں کتھے انہوں ڈھونڈا پادری مرن تو پہلے کہنے لگا مگر تینوں نشانیاں میں انہوں یاد میں کہنے لگا نشانیاں دس پادری کہنے لگا پہلی نشانی ہے کھجورہ والا شہر ہوئے گا شہر کھجورہ والا یہ میں نے کہہ رہے سانا جو مدینہ دی گل میں اس بات سے شروع کی یہ دے وچ ساری یہ گلہ آ جانی ہے کھجورہ والا شہر ہوئے گا کہنے لگا دوسری نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ دعا کبھیان دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی کہنے لگا تیسری نشانی اے بے صدقہ نہیں کھاوے گا تے جے کو حدیعہ تے تحفہ دے گا تے او کھا لوے گا آئی تے نشانیاں ہو دیا کتابہ چلکھیاں ماں باپس پادری دے سینے تے لیٹ کے روپیہ روے تے پادری دے روح پرواز کر گئی بچے نے رو کے آسمان والے کھیا کہنے لگا تینوں کتے ڈھونڈا رہا میں تینوں کتے ڈھونڈا کئی کئی روپ بٹائے ساں تیرے ملنے لئی نوجوانوں حضرت پیر حیدر شاہ تاجدار کرتو شریف نے عجیبی رنگ پیش کیتا آپ فرماتے ہیں عشق لگاؤں سکھیڑاؤں کھیڑ دینوں کھیڑ دینوں کھیڑا بھول دیا بھول دیا بھول گئیا میٹھی کی تیسی اتر بھولے لبالی انہوں ویخ دیا ویخ دیا کھل گئی کچل پایا سیار دے وکھنے لئی ہنجو ڈل دیا ڈلے دیا ڈل گئی کہ علی حیدر شاہ کلی میں نہیں کئی سونیاں رول دیا رول گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نے کہا زندہ باد بچہ جدو دنیا تو ٹر گیا زندہ باد بچہ جدو پادری نے ویکھا دنیا تو ٹر گیا تے بچہ کہندا نو دفن کیتا گیا تے تھوڑی جی میرے کو پیسے کٹھے ہوئے سن کہندا میں انہاں پیسیاں دیاں گاواں تے بکریاں خرید لیاں اموریا شہر دے وچ جا کے تے میں شہر دے باہر جا کے تے میں چراگاہ وچ ہر ویلے بکریاں تے اونٹ تے اپنی گاواں چارنا پتہ نہیں گاواں او کھجوراں والا شہر کیڑا ہے علامہ صاحب او بچہ کدے دائیں کدے بائیں کان لگا کے لوگا دیا گلہ سوندا کوئی کھجوراں دیا گلہ کرے تے میں پوچھا کھجوراں والا شہر کیڑا ہے ماں با کہندے کہ دن میں گاواں تے بکریاں پہ چاراں تے اچانک ایک قافلہ قریب تو گزریا تے اس قافلے دے دو افراد آپس چ گلاں پہ کر دے تے ایک دوسرے نو پیا کہے کہ اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے کھجوراں بڑیاں ماں با دوڑ کے قریب آ کے کہن لگا جڑی گل کیتی ذرا پھر کریا اسی اپنے کاروبار دیا گلا پہ کرنے آؤ اس سال کھجورا بڑیا چنگیا بابا کہن لگا ذرا جلدی دسے کھجورا والا شہر کیڑا ہے انہیں آخیا تینوں نہیں پتا کہن لگا میں تے گلی گلی پہ ڈھونڈنا انہیں آخیا جیڑا کھجورا والا شہر
ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਇਮੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ थोड़ा जा दूर गए राह एक इलाका आया जिसका नाम है वादी उल कुरा चूंकि सोहना बड़ा सी ना चौधरियां दा पुत्र सी नाज़ां दा पड़िया सी रंगत भी गोरी ओ काफले वाले दी नियत बदल गई ते वादी उल कुरा दे अंदर एक मंडी लगी उथे गुलाम पे विकदे ते इस बच्चे नु भी उन्हां मार के ना बकरियां ते गावां खरीद लियां कोर रख लियां ते लेके ते इत बच्चे नु गुलाम बना के बेच दित्ता वाह उसका तेरे बल्ले बल्ले इत्थे यूसुफ वर्गे विक जांदे बचपन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा ते आपने एक दिन आईना वेख्या ते आईने विच अपनी हुसन वेख्या ना ते ख्याल की आया बचपन च ख्याल आया एडा मैं सोहना पुत्र भी नबी दा आप भी नबी पोतरा भी नबी दा पर पोता भी नबी दा चार नस्लां नस्ल दर नस्ल नबी मेरे नबी ने फरमा इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यानी यूसुफ बिन इसहाक यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम ख्याल आया मैं एडा सोहना मैं तो नहीं ना विकना किधरे मैं तो को गुलाम तो नहीं ना मैं तो नबिया का पुत्र हाँ तो आप भी नबिया मैं तो नहीं विकना तो उंझ जिड्डा मैं सोहना कदे मैं गुलाम का पुत्र हों तो मैं विकना सी तो बड़ा महंगा विकना सी जिड्डा मैं सोहना अल्लाह ने बत्ती खोटे सिक्किया वका दिता आख्या हुसन गणे तो मान ना करी मैं तेरे जो सोहने खोटे सिक्किया वका देना वाह उश्का तेरे बल्ले बल्ले यूसुफ वर्गे सोने खोटे सिक्कियां ते विक जांदे थे ओ इश्क दी वादी विच बच्चा विक गया वादी उल कुरा दे अंदर खरीदार जदों खरीद के टुरे ना ते बच्चा उन्हां नूं जांदा जांदा पुछदा मैनूं किथे लै के चले हो उन्हां आखिया असीं मदीने चले असीं तैनूं खरीद के मदीने लै के जा रहे हां ओ बच्चे दी चीख निकल गई समान बलवे के कान लगाओ दुनिया बनाने वाले चौधरियां दा पुत्र सा मां छड़ आया अबू छड़ आया दारता छड़ आया जिम्मेदारियां छड़ आया गली गली बर्बाद हो गया गुलाम बन के बैठ गया रो के कान लगा दुनिया बनाने वाले जे कदे हुन भी मिल जाए सौदा महंगा कोई अजय नहीं मिल जाते सौदा महंगा कोई रसूल के गुलाम है मौत भी तो जिंदगी फजूल है जिंदगी फजूल है सुभान अल्लाह नौजवानों काफिला टुरया टुरया जदों मदीने दे बाहर आया ते ओ दूर तो खजूरां दे दरख्त नजरी आए ना ते बच्चा काफिले दे एक एक जीनों हाथ लगा के पूछे ओ दरख्त केड़े ने उन्हें आख्या इनू ही ते खजूरां वाला शहर कहंदे ने ए खजूरां वाला शहर इनू ही मदीना कहंदे ने इजड़ चार दी फिराम बदुआ दे
बदुआ दे मेरा गोलियां च शुमार आ जाए ए सेवा वास्ते कराऊं मैं नित किधरे प्यार आ जाए इस आवाज ते कराऊं मैं नित तरले कमली वाले नु किधरे प्यार आ जाए। वो बच्चा जब मदीने दी गलियां च आया ना ते नाले गलियां च फेरे नाले खजूरां दे दरख्त वेखे ते नाले ढूंढे ओ किथे वे जेड़ा रब नाल मिलांदा ओ किथे जेड़ा रब नाल मिलांदा मालिक जब घर लेके आया तो कह लगा तेरी ड्यूटी ये कि खजूरां दी दरख्तां उत्ते खजूरां दा फल पक गया है तो हुण इंज करना रोजाना पक्कियां खजूरां उतारनी है तो उन्होंने करेट च बंद करना तो मैं मंडी वेच के आया करांगा। आसमान वल वेख के कहिंदा है ड्यूटी भी खजूरां दे बाग च ही लाई जे खजूरां दे बाग च ड्यूटी लग गई। नौजवानों पहले दिन जब बच्चा बाग च खजूर दे गया ते ओ ऊपर वाली टहनी ते जाके बैठ गया जिथों सारा मदीना नजरी आवे ते उत्ते बैठ के ना ऊपर वाली टहनी ते दाएं बाएं ते मदीने दी गली गली वाल छाती मार दे ओ किथे वे ये दिल्ली मैं आया ओ जिहड़ा रब नाल मिलांदा है। पर चिश्ती साहब इश्क मदीने पहुंच गया हुसन अजे नहीं आया कमली वाले अजे मदीने आए ही नहीं हजूर अजे मक्के पे वस गए इश्क पहले यार दी गलियां दा तवाफ करन आ गया किधर हजूर हिजरत करके ना ते मदीने वाल आ रहे तो उधर माबा मदीने पहुंच चुके मेरे आका ले सलातो सलाम ने आके ना ते ओ मुकामे कुबा दे अजे डेरे लगाए ते मदीने वाले सुबह तो शाम मेरे नबी दियां रामा वेख दे। मैं पहली बार मदीने गया ना ते मेरे एक दोस्त ने अलामा साहब ते मैनू लै गए एक गली विच एक मुकाम ते खड़ा करके कहन लगे असी साहब आओ जगह जिथे मदीने वाले हिजरत वाली रात खलो के नबी पाक दा इंतजार करदे सन मुकाम दा ना सनियतुल वदा है। मैं पूछा अलामा साहब इत्थे खलो के इंतजार क्यों करते सन कहन लगे आसी साहब ये उस दौर च मदीने च सब तो बुलंद जगह सी इत्थे खलो के बड़ी दूर तक नजर आउंदा सी मैं उत्थे खलो के जद दूर तक वेख्या तो मैनू इश्क दी रमज दी समझ आ गई कि आज इन्हां नू माहे दीआं उड़ीकां आउंदीआं ने ना जिन्हां नू किसे सोहणे दी सिक होवे इन्हां नू तां होवे किसे महबूब दी नीवियां जगह ते खलो के यार दीआं रावां नहीं उड़ीकदे उच्चियां थावां ते खलो के माही वल वेखदे ने ते तसल्ली उन्हां दी फिर भी नहीं हुंदी अड़ियां चुक के पंपां पार होर उच्चे हो के यार दी राह वेखदे ने ते दरवाजा हवा नाल भी खड़के ते उन्हां नू इंज लगदा जिवें यार आया है उन्हां नू इंज लगदा जिवें माही आया है उड़ीकां वालिआं दे ते रंग ही वखरे हुंदे ना गुजरात जाइए ना तो उत्थे एक बाबा है बाबा कामा वाली सरकार बड़ा मशहूर दरबार शरीफ है बाबा जी दनाए हजरत बाबा करम इलाही अलमरू बाबा कामा वाली सरकार सारी जिंदगी बाबे ने कव्या नाल प्यार किया आज भी दरबार से जाके वेखो इतने कव्य तो कदे कट्ठे नहीं वेखे होणगे जिन्हें बाबा कामा वाले सरकार के दरबार से होंगे। आपकी जिंदगी किसी पूछा सी हजूर कोई तोते पालदा कोई कबूतर पालदा कोई कव्वा मोर पालदा कोई चिड़िया पालदा एक कव्वे नाल भी कदे किसी प्यार किया एडा काला रंग दा कां आपने फरमाया मैनूं पता इस काले नाल प्यार कोई नहीं करदा पर मैं सुनिया यार इस कव्वे की उम्र बड़ी लंबी होंदी है उलमा फरमाते ने कव्वे की उम्र 500 साल भी होंदी है आ फरमाते ने मैं इन्हां नाल प्यार करना है हर वेले मेरे बनेरे ते बैठे रहन और किसी दिन मेरे बनेरे वह भी आके कां बह जाए जिन्हें कमली वाले की ज़ियारत की हो वाह उड़ीकां वाले तुहाडे रंग ही वखरे रंगी वखरे ने मापा भी दरख दी उपर वाली टहनी ते जाके बह जांदा है नाले गलियां वाल वेखदा नाले रोके कहंदा महबूब मेरे आ जा रो रो के ना मर जावा महबूब मेरे आ जा रो रो के न मर जावा
ਕੁਬ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ जवान जे मैं तुम्हें उड़ीक ही सुना दी थी सारी तकरीर फिर उड़ीक ते हो जानी हाथ खड़े करके मैं विखाओ बोलो जिन कमली वाले की उड़ीक हाथ थले ना कर नहीं भाई हाथ थले ना कर मैं पता क्यों कह रहा एक बज गया रातों रात ढल गई मेरा दिल करता जी ठंड जी हवा पे चलती है तुहाड़ी ते मेरी आवाज मदीने लै जाए गुंबद खिदरा चुम के बूसा लैके आखे अखी वेख के आईया तेरे गुलाम अद्धी रातों रात ढल गई अजे भी तेरिया राहों पे उड़ीक देने याद तेरी दाम दीवा पाल याद तेरी दाम दीवा पालिया हुन आवी जा वल्ले ज़ुल्फ़ा इंज नहीं भाई हाथ चुके मदीने पैगाम पहुंचाया आवी जा वल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ ए ज़ुल्फ़ा वालिया हुन आवी जा वल्ले ज़ुल्फ़ा कमली वाले साडे कोल सिद्दीक अबू बकर वर्गा नहीं साडे कोल अदल उमर वर्गा नहीं साडे कोल हया उस्मान वाली नहीं साडे कोल सुजावा अली वाली नहीं साडा इश्क भी बिलाल वर्गा नहीं उदीक भी उवैस वाली नहीं पर जे कदे आ जाए तेरा जांदा कुछ नहीं साडा कम बन जांदा आई तो मिल के पढ़िए आ भी जा पल्ले उन मैं नहीं तुसा पढ़ना आ कमली वाले आया आखरी वेले आ जाई कलमा पढ़न दा भरम रह जाए आ भी जा पल्ले ज़ुल्फ़ा वाले आओ ए ज़ुल्फ़ा वाले जान तेरे तुवारी तू जान ईमान दिले जाओ तुद बिन मैं किस कारी आवी जा फल्लेल ज़ुल्फ़ा वाले आओ ए ज़ुल्फ़ा वाले हुन आवी जा फल्लेल ज़ुल्फ़ा वाले आओ नौजवानों टहनिया ते बह के आवाजा पे देंदा है एक दिन ओदे कन्ना च आवाज आई कमली वाले आ गए कमली वाले भाई कमली वाले जिंदाबाद जिंदाबाद उच्चा बोलो सारे भाई उच्चा बोलो आमीन आमीन बिस्मिल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद हुन नहीं हुन बस प्लीज बिस्मिल्लाह बेटा
नौजवानों, एक दिन आप खजूरा पे उतार देते, मालिक नीचे खड़ा खजूरा पे सट देते, मालिक दे चाचे का पुत्र आके कह लगा, यार ओ मुकामे कुबा ते एक मुहम्मद आए ने सुने वो रब नाल मिलांदे ने, ते सारे मदीने वाले जाके को हाथे को कदम पे चौमद है, मापा नु इंज लगे जिवें मैं जमीन ते डिग जाना है, दौड़ के नीचे आके ते उस कहन लगे ओ, ओ, अपने मालिक दे चाचे दे पुत्र नु आ जिहड़ी गल कीती जरा फिर करी, मालिक ने मुंह ते थप्पड़ मारिया, कहन लगा मालिक दीआं गल्लां च बोलना, चल खजूरां उतार, ओ उपर वाली टहनी ते बैठ के ते उधर वेखन लग पे जिधर उन्हें इशारा कीता सी, इधर आए ने शाम वेले जदों छुट्टी मिली ना ते मां बाप दा दिल करे महबूब दी बारगाह च दौड़ के जावां, पर ख्याल आया नहीं नहीं पहले निशानियां भी ते पूरियां करनियां ना, गिरामी कदर हजरात सारा खजूर का बाग फिर के जिड़िया पक्या पक्या खजूर सन सुरख रंग दियाँ बड़िया प्यारियाँ उन्होंने कट्ठिया करके ते गिफ्ट पैक बनाया ही होगा, सोहना जहा गिफ्ट पैक बना के तुर पे मुकामे कुबा वाले सहाबा बैठे, जाके ना एक सहाबी के कंधे ते हाथ रख के कहते ने कितने वे जरा रब नाल मिलांदा है, उन्हें इस तरह करके मेरे नबी वाल जदों इशारा किया ना, इशारे दे पिछे जदों निगाहां लैके मापा गया ते निगाहां जदों मुस्तफा दे चेहरे ते पईयां ते दिल आओ गया, आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने काले कुंडल बेकावले कुंडल जुल्फ माही दे जाल झले हुन केड़ा अख नल अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा, दिल ते हो गया मैं किड़ा रंग देव एक माहे मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें, एक माहे मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें, एक माहे मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखा के फबल वो सुना के सुखन मोरा फूक दिया सब तन मन धन, माबा दौड़ के दिल करे कदम ही चुमला, पर अपने आप नू कहन एक बारी ठहर तो सही निशानियां ते पूरियां कर लईए, खजूरा रख के ना सामने ते कहन लगे परदेसी आयो तो सुनिया भुख लगी होवेगी ते मैं भी सदका देना सी, ते आ खजूरा सदके दियां लैके आए ते खा लो, हजूर ने खजूरा वाल वेख्या माबा वाल वेख्या, हजूर ने फरमाया साहबा खजूरा तकसीम करो, साहबा खजूरा वंड रहे एक एक साहबी एक एक खजूर पकड़ी जावे ते माबा नू ख्याल वेखा भला सदका खांदा है कि नहीं खांदा, पर ओ किथे खावे सारा जग ते ओदे सदके ते पलदा है, हुण माबा कवे मैं वेखा भला खांदा खजूर के नहीं खांदा, नौजवानों खजूरां पियां वंडियां जांदियां, माबा एक बारी खजूर वल वेखदा है एक बारी हजूर वल वेखदा, कदे खजूर वल ते कदे हजूर वल, सारियां खजूरां वंडियां गईयां एक नहीं मेरे नबी खादी, कह लगा लो ए ते गल पक्की हो गई, शहर भी खजूरां वाला है पर खजूरां सदके दियां नहीं खांदा, शाम तक दीद की थी ते आगे घर नबी पाक भी मुकामे कुबा तो हजरत अबू यूबर सारी दे घर आ गए, एक दिन फिर दिल किया जाके मिल के आवां ते फिर खजूरा उस दिन चंगियां चंगियां ते सुरख ते पक्कियां ते आज कच्चियां सुखियां खजूरा लईयां ते एवें पकड़ के ते लै गए नबी पाक दी बारगाह जाके कह लगे जी आ हदिया ते तोहफा लैके आया, उस दिन चंगियां पक्कियां पर हैं सदके दियां मेरे नबी नहीं खादी, अज हैं सुखियां पर है तोहफा पहली खजूर मेरे नबी खादी,
ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਬਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਦੀਆ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਤੀਸਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਪਾ ਖਜੂਰਾਂ ਪਿਆ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਪਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਹਿਮਦ ਮੁਬਾਰਕ ਪਹਿਨੇ ਆਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਦੇ ਮਾਪਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨਬੂਵਤ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦ ਕਰਾਂ, ਮਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ। ਜਵਾਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਠੀ, ਮਾਪਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਖੋਲੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਪਾ ਆ ਜਾ, ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਵਖਾ। ਮੋਰੇ ਨਬੂਵਤ ਵੇਖੀ, ਮਾਪਾ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਮੋਰੇ ਨਬੂਵਤ ਲੱਭ ਰਕੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੁਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ। ਯਦੁਲਾਹ ਫੌਕਾਇਦੀ ਹਿਮ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਾਪਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਮਾਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਪਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ